तो दोस्तों आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर फिर से एक बार सभी को स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट है, इसमें पार्ट 3 आज अपलोड करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है, जिसमें हमने लिखा है थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोला जाता है हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक समझना होता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इसी को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को सक्रियता श्रेणी, या इसको बोला जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग को थर्ड चैप्टर जो मेटल नॉन मेटल पढ़ना है उसमें भी हम लोग का उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग कुछ रिएक्शन इससे संबंधित पढ़ने। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी यदि हम लोग को अगर पूछा जाए तो इसमें आपको कहा जाता है कि एक ऐसा श्रेणी है जिसमें तत्वों को उसके क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है। इसका अगर कोई डिफिनेशन हम लोग से पूछे तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जिसमें तत्वों को उसके क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है या सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसे हम लोग बोलेंगे जिस श्रेणी में तत्वों को क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है उसी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में हम लोग तत्वों को सजा दिए हैं जिसमें आपको अधिक क्रियाशील तत्व है तो कुछ, निम्न क्रियाशील तत्व है तो कुछ, मध्यम क्रियाशील तत्व है। जैसे हमने लिखा है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन लिखा हुआ है, सीसा है, हाइड्रोजन है, सेव, तांबा, एजी चांदी, एव सोना, एच जी पारा, प्लेटिनम, पीटी। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन हम लोग के लिए बाउंड्री लाइन हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो तत्व तो हाइड्रोजन से नीचे रहता है सक्रियता श्रेणी में उसे निम्न क्रियाशील कहा जाता है। जो तत्व तो हाइड्रोजन से नीचे सक्रियता श्रेणी में पाया जाता है उसे निम्न क्रियाशील कहा जाता है। तो इसमें आपको आ जाएगा सीव, तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना, पारा, प्लेटिनम, तांबा, चांदी, सोना, पारा और प्लेटिनम आपको निम्न क्रियाशील तत्व है जो आपको हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है उसको निम्न क्रियाशील तत्व कहा जाता है। और यहाँ पे आपको लिखा गया है लिकवा सरकाना, बोलता है लिकवा सरकाना, ली क बा सरकाना, यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सोडियम। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम आपको अधिक क्रियाशील तत्व है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व आपको है तो इस तत्व को बोला जाता है अधिक क्रियाशील तत्व। उसके बाद मध्यम क्रियाशील तत्व में आता है मग, अल, मन, जन, कर, फे, कड, कोने, उसके बाद है टीन, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं शीशा। तो इसी के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं किसको है, तो इसमें लिखा गया है कि अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें आपको बोला गया है कि अधिक क्रियाशील तत्व आपको निम्न क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस डिफिनेशन को एक बार पुनः आप लोग सुन लीजिए। बोले हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम लोग समझे तो यहाँ पे लिखा गया है Fe प्लस CuSO4। यहाँ हम लोग देखें तो सक्रियता श्रेणी में जो आपको लोहा लिखा गया है तो जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है अधिक क्रियाशील होता है, नीचे होता है वो निम्न क्रियाशील होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको लोहा है जो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, जबकि आपको एल एल्यूमिनियम है जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है उसे अधिक क्रियाशील तत्व कहते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होता है उसे निम्न क्रियाशील तत्व कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ही कहता है विस्थापन अभिक्रिया का कि निम्न क्रियाशील तत्व को हटाकर
उसका स्थान ग्रहण कर लेता है कौन? अधिक क्रियाशील तत्व। तो जिसमें आपको लिखा गया है कि अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर लोहा हमने बोला कि सक्रियता श्रेणी में नीचे, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, तो आपको एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील हो गया, लोहा आपको कम क्रियाशील हो गया। तो कम क्रियाशील लोहा है, तो लोहा यहाँ से क्या करेगा, यहाँ आप लोग देखिएगा, लोहा आपको क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पे आपको कॉपर को हटाएगा लोहा, और यहाँ पे कॉपर आप लोग यहाँ देख सकते हैं Cu, जिसको बोला जा रहा है तांबा। तो Cu आप लोग देख सकते हैं कि निम्न क्रियाशील है, लोहा आपको अधिक क्रियाशील है। तो तांबा निम्न क्रियाशील, लोहा अधिक क्रियाशील, तो यहाँ पे क्या करेगा कि तांबा यहाँ से हटेगा, और हट कर के स्थान अलग हो जाएगा, और तांबा के स्थान पे आपको लोहा बैठेगा। तो यहाँ पे बनेगा FeSO4। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिक्शन आपको ध्यान रखना है कि Fe प्लस CuSO4 जब लिखा जाता है, तो यहाँ पे कॉपर निम्न क्रियाशील है, लोहा आपको अधिक क्रियाशील है। तो लोहा ने तांबा को हटाया, और हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से आपको एक रिएक्शन और लिखा गया है Zn प्लस CuSO4। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि जस्ता हम लोग को सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, जबकि आप लोगों को तांबा सक्रियता श्रेणी में नीचे है। जब सक्रियता श्रेणी में नीचे है तो इसको निम्न क्रियाशील तत्व कहेंगे। तो यहाँ पे जस्ता आपको कॉपर को हटाएगा और इसके स्थान पर बैठेगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि Zn जाएगा कॉपर के स्थान पे, तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4। यहाँ से आपको तांबा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ तांबा आपको निम्न क्रियाशील तत्व है। तो इसका डिफिनेशन ही बोल रहा है वो बार बार में कि अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को हटा करके जब स्थान ग्रहण करता है, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिया गया है NCERT बुक में भी, इसका बार बार ऑब्जेक्टिव हम लोग से पूछते रहता है। यहाँ पे लिखा गया है एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3। इसमें हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि आपको लोहा नीचे जो निम्न क्रियाशील तत्व होगा, एल्यूमिनियम यदि ऊपर है तो अधिक क्रियाशील तत्व होगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को हटाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोहा है, तो लोहा यहाँ से हटेगा, तो लोहा यहाँ से हटेगा और इसके स्थान पर आएगा आपको एल्यूमिनियम। तो यहाँ से बनेगा Al2O3। तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। और आपसे पूछे कि Al प्लस Fe2O3 से क्या बनेगा, तो Fe प्लस Al2O3 बनेगा। इसका प्रकृति क्या होगा, तो इसका प्रकृति होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसी के आधार पे हमने एक एग्जांपल अगर और आपको देने का कोशिश करें, तो हमने अगर लिखा कि Zn प्लस HCl यदि आपको दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ता आपको सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, जिंक आपका सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, और हाइड्रोजन आपको बोला जाएगा कि नीचे है। जब हाइड्रोजन नीचे है तो निम्न क्रियाशील है, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जब हटेगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करेगा जिंक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन यहाँ से आपको हटा, और यहाँ से जब स्थान ग्रहण किया जिंक, तो बनेगा ZnCl2 + H2। तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया इस सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट रिकॉल कर लूँ। विस्थापन अभिक्रिया बोला जाए तो जिसमें बोलिएगा आप लोग कि अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसको समझने के लिए हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं या सक्रियता श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो आपसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी का कोई डिफिनेशन पूछे, तो आप लोग बता सकते हैं कि जिसमें तत्वों को उसके क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है। तो जब तत्वों को उसके क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। इसको एक बार आप पुनः पढ़ सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना, पारा और प्लेटिनम। तो जो तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर है उसको अधिक क्रियाशील तत्व कहा जाता है, और जो तत्व सक्रियता श्रेणी में नीचे है उसे निम्न क्रियाशील तत्व कहा जाता है। तो आप लोग सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आप लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं।